की तरह मुझे छू भी तो रोजाना तेरे हाथों की तरह मेरे हाथों का सफर। स्वीडीज वेलकम बैक टू माई चैनल स्वीट मोमेंट। सो इस बार में देखा था डॉक्टर लैंड क्रिएटर और वाइफ का कि यहाँ पर विंग नदी में बहते बहते एक गांव के पास पहुँचता है, मतलब उस गांव का जो नदी का जो किनारा होता है वहाँ पर आकर डायरेक्ट वो रुकता है और उसी प्लेस पे मतलब रिसर्च करते करते यहाँ पर लैंड शुशैन और लैंग वांग जी का भी टीम पहुँच जाता है। अब वो लोग जैसे यहाँ पर आते हैं ना, यहाँ पर लैंड शुशैन को तो विंग का मतलब उसका जो बॉडी था ना वो थोड़ा ना मतलब साइड होके जैसे कैसे लेटता है इंसान उस पोजीशन पे था, तो अब जैसे वो थोड़ा सामने जाता है ना उसको पता चल जाता है कि वो विंग है। अब वो विंग को उठा के कैंप जहाँ पर वो लोग सब कोई था ना वहाँ पर ला के उसको लेटाता है। अब लेटा के वो अपना ब्रदर को बुलाने जाता है विंग को चेक करने के लिए कि यहाँ पर क्या हुआ है विंग को, क्या नहीं हुआ है, उसका ब्रदर चेक करके उसको बताएंगे। अब जैसे वो लैंग वांग जी को बुलाता है ना, लैंग वांग जी यहाँ पर पूरा शॉक विंग को देख के। अब यहाँ पर होता क्या है, विंग लैंग वांग जी का पूरा ट्रीटमेंट वगैरह करता है, उसका फीवर जो था वो थोड़ा कूल डाउन हो जाता है और फिर ना यहाँ पर जो लैंग वांग जी होता है वो सबको बाहर भेज के विंग का ड्रेस चेंज करता है। विंग बोलता है ऐसे ही तो हम इसको सब पूरा अच्छे से देख ही लिए, अब क्या ही बचा है देखने को। वो उसका ड्रेस चेंज करता है, उसको क्लीन करता है, फिर उसको न्यू क्लोथ था वो पहना। जो न्यू क्लोथ था ना वो लैंग वांग जी का ही था जो वो अलग से बाय किया था, बट वो उसका छोटा बढ़िया था तो उसलिए वो पहना भी नहीं था, वो अलग से सेपरेटली रखा हुआ था। अब वो विंग को दे देता है, वो अपना ड्रेस मतलब विंग को पहना देता है और वापस बेड पर लेटा के उसको वापस ट्रीट करने लगता है अच्छा से ताकि उसका फीवर जल्दी कूल डाउन हो जाए। अपने एक दो घंटा बाद विंग को होश आने लगता है धीरे धीरे। अब विंग को ना पहला चीज़ इस बात का टेंशन होता है कि उसका फ्रेंड्स और उसका बेबी सब कैसे होंगे, क्योंकि उसका बेबी इस मतलब विंग के बिना ज़्यादा देर तो रुक मतलब रह नहीं सकते, तो वो लोग उन कन्फर्म इतना ज़रूर रोएंगे ही। तब यहाँ पर विंग ना बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगता है, वो होश में आते साथ ही पहले तो बोलते हैं मिंग यून सॉरी युआन, पहले तो वो अपना बेबीज़ का नाम पुकारने लगता है, उसको हल्का हल्का होश आ जाता है तभी है। अभी यहाँ पर लैंग वांग जी उसके बगल में बैठा था तो वो बोलते हैं विंग आराम से तुम्हारा चाइल्ड यहाँ पर मतलब तुम्हारा भी यहाँ पर कोई नहीं है, हम लोगों ने तुमको नदी के किनारे मिले थे तो इसलिए हम लोगों ने तुमको उठा के यहाँ लेके आ गए। तुम्हारा जो पूरा बॉडी में ना चोट वगैरह लगा हुआ था उसको ट्रीट कर दिए और तुम्हारे स्टमक के मतलब जो साइड वाला पार्ट है ना लेफ्ट साइड ऑफ पार्ट स्टमक का वहाँ पर बहुत गहरा चोट लगा है तो तुम ज़्यादा हिलो मत वरना वो वापस ब्लीडिंग करने लग जाएगा। अब जैसे विंग ये बात सुनता है ना उसको अचानक से पेन होने लगता है स्टमक पे और ये मतलब जैसे आपका पेट कोई आधा था काट रहा होता है ना वैसा पेन था। तो यहाँ पर विंग भी जो बेड में था वो थोड़ा बैठने का कोशिश करता है और यहाँ पर लैंग वांग जी उसको हेल्प करता है, वो बैठाता है। फिर विंग उससे बात करने लगता है, लैंग वांग जी भी उससे बात करने लगता है। यहाँ पर दोनों का बॉन्डिंग थोड़ा अच्छा था और यहाँ पर जो ना विंग था ना उसका सॉरी लैंग वांग जी का जो सेंट था ना विंग को बहुत पसंद आ रहा था, उसका जो सैंडलवुड स्मेल था वो बहुत अच्छा लग रहा था विंग को। वो लोग दोनों सेंट बॉन्डेड थे ना तो इसीलिए वो लैंग वांग जी को कुछ ज़्यादा ही अच्छे तरीके से उसका जो सेंट था वो आ रहा था। और यहाँ पर विंग का जो सॉरी मेरा बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना, मेरे को पता है बहुत ज़्यादा चीची चीची आवाज़ आ रहा होगा। तो अपने यहाँ पर ही ना लैंग वांग जी का जो सेंट था वो विंग को स्मेल आ रहा था और विंग का जो सेंट था वो लैंग वांग जी को स्मेल आ रहा था। अब यहाँ पर दोनों ही कंफर्टेबल थे एक दूसरे के साथ। अब दो तीन दिन बाद विंग भी ठीक हो जाता है। अब यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है विंग के फ्रेंड्स के ऊपर, जहाँ पर विंग बिछड़ गया था ना उसका फ्रेंड्स बार बार आके वही जगह पर चक्कर काट रहा था कि विंग को ये लोगों ने खोज ले और साथ ही में सबको ट्रैप में जाए, बट विंग को ये लोगों ने खोज नहीं पाए। तो ये लोगों सबको लगता है विंग खोज खोज के उस ट्राइब पे चला गया होगा, तो ट्राइब पे हम लोगों ने एक बार जाके देख लेते हैं। अब जैसे वो वाला फ्रेंड जो ट्राइब में रहता था वो ये चीज़ बोलता है तो यहाँ पर वो भी हामी भर देता है जितने भी उसके फ्रेंड्स थे विंग के। और
अब वो लोग उस फ्रेंड का ट्रैप पे जाने लग। जैसे वो ट्रैप पे जाते हैं, वो लोग पहले इन्वेस्टिगेशन करते हैं विंग या कोई अनजान इंसान आया हुआ है क्या यहाँ, और उनके बारे में पूछ रहा था और यही पूछताछ कर रहे थे वो लोग उनके साथ। और ऐसे करते करते दो दिन बीत जाता है। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है विंग के ऊपर, जो कि लैंगवांग जी के साथ घूमने निकला होता है वो माउंटेन वाला इलाका में। अब वो लोग ना आधा रास्ता जैसे घूम रहे होते हैं ना, विंग को यहाँ पर ना एक बहुत ब्यूटीफुल सा झरना दिखता, वाटरफॉल दिखता, और उसी के साथ वो पूरा इतना ब्यूटीफुल तरीके से बह रहा था ना। हम यहाँ पर ना विंग घूमते घूमते ना एक फ्लावर को प्लग करता अपना प्लेस से, और वो लैंगवांग जी को दिखाता, बोलते हैं देखो ये फ्लावर कितना अच्छा है ना। अब लैंगवांग जी जैसे वो फ्लावर को देखते हैं ना, वो विंग को बोलते हैं लाओ फ्लावर मुझे दिखाओ। तो अब जैसे विंग उसको वो फ्लावर देते हैं ना, लैंगवांग जी उसको खुशी खुशी गले से मिल लेता है, क्योंकि वो फ्लावर था ना वो एक तरीके का इतना रेयर हर्बल था ना जो वो लोगों को चाहिए था और मिल नहीं रहा था। और फाइनली वो चीज़ वो लोगों को मिल गया है, जिससे लैंगवांग जी की मदर का पूरा मेडिसिन कंप्लीट हो जाएगा। अब ये चीज़ ना बोले इतना हैप्पी था ना, वो विंग को कस के गले लगाता, बोलते विंग विंग तुम्हें पता भी है तुम क्या दिए हो आज मुझे। अब वो चीज़ जैसे ये बोलता है ना, तुम्हें पता है अब इससे जो मेडिसिन हम लोगों ने रुका हुआ था वो पूरा बन जाएगा। अब वो उस फ्लावर को लेता है, वहाँ से वो दो तीन फ्लावर और ले लेता है, और विंग के साथ वो लोग ना अपने रिसर्च टीम के पास वहाँ चले जाता है। अब जैसे वो लोग वहाँ जाता है, लैंशन सबको अनाउंस कर देता है कि हम लोग उनको अब जो मेडिसिन चाहिए था वो मिल गया है, मतलब हर्बल चाहिए था मेडिसिन के लिए वो मिल गया है, तो अब हमें उतना खोजने का ज़रूरत नहीं होगा और आधा टीम चाहे तो जा सकते हैं यहाँ से। अब जैसे ये सब बाकी के मेंबर्स सुनते हैं, वो लोग मतलब खुशी के मारे फूले नहीं समाते हैं। और यहाँ पर सबको क्या करता है ना लैंगवांग जी, वो जो फ्लावर था ना, हर्बल था ना, वो क्या करता है अपने मेंबर को, टीम मेंबर को देता है, और कुछ अपने पास भी रखता है। अगर किसी कारण जाते जाते वो हर्बल डिस्ट्रॉय हो गया तो वो लोग यहाँ से वापस उसको लेके जा सकते हैं। और वो जो फ्लावर था ना, हर्बल जो था ना, उसका भी असर मतलब था ना कि अगर आप उसको प्लांट से निकाल लोगे ना, उसका जो जड़ था वहाँ से, तो ना उसका जो असर है खाली वो 20 दिन तक रहता है, और उसके बाद वो फ्लावर मतलब वो जो हर्बल था वो एक मामूली सा फ्लावर बन के रह जाता है। तो उसका ना ऐसा स्पेशलिटी था। तो यहाँ पर लैंगवांग जी करता क्या है ना, जैसे यहाँ पर लैंशन ये चीज़ बोलते हैं ना, वो बोलते हैं नहीं आधा टीम को तो आज ही निकलना होगा, जो भी करो जैसे भी करो, पर 20 दिन से पहले तुम लोग जाओ और ये फ्लावर का मेडिसिन बनाओ। अब यहाँ पर लैंगवांग जी वो लोगों ने मेडिसिन देता और आधा टीम को भगा देता वहाँ से। और यहाँ पर ही लैंगवांग जी सोचता है भाई इतना दूर आ गया तो वो ट्राइब को देखे बिना कैसे जा सकते हैं, जहाँ पर ही बाहर इन सालों को उनको जाना मना होता है, भाई सबको यही चुल लगा हुआ रहता है ये जहाँ पर जिस इंसान को जाना मना रहता है ना वहीं पर ये जाते रहेगा। फिर ये लोगों ना विंग को लेके उस ट्राइब का जो एंट्रेंस था वहाँ तक तो पहुँच जाते हैं, और जो विंग का फ्रेंड सब था ना वो लोगों ट्राइब के ना अंदर था, तो वो लोग उनको इतना जानकारी नहीं रहता है कि एंट्रेंस पे कोई आया हुआ रहता है, जबकि हमेशा ट्राइब के 4 से 5 जन रहता था एंट्रेंस को गार्ड करने के लिए, कोई आउटर पीपल यहाँ आना चाहे। और यहाँ का जो रूल था ना, जैसे लैंगवांग जी आधा एंटर होता है ना, वैसे उसको एक ट्राइब मेंबर आके ब्लॉक करता है, मतलब उसको अंदर जाने से रोकता है, और रोक के बोलते हैं आप अंदर नहीं जा सकते जब तक आप मैरिड नहीं हो, मतलब जब तक आप अनमैरिड हो तब तक आप अंदर नहीं जा सकते। और इसमें से और भी कुछ कुछ रूल्स था जो लैंगवांग जी को फॉलो करना था अगर उसको अंदर जाना था। अब यहाँ पर जैसे ये चीज़ लैंगवांग जी सुनते हैं ना, विंग बोलता है मेरे को भी अंदर जाना है यार, मेरे फ्रेंड्स आए हैं। और ना वो जैसे यहाँ पर ही वो लड़का का नाम बोलता है जो ट्राइब लीडर थे ना वहाँ पर ही, वो उस लड़का को जानते थे, पर तभी यहाँ पर एंटर नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ पर उनके साथ एक बार स्कैम हो चुका था। फिर यहाँ पर होता क्या है, ज़बरदस्ती विंग और लैंगवांग जी का ये लोग शादी करवा देते हैं। अब यहाँ पर जैसे शादी होता है, लैंगवांग जी और विंग उस ट्राइब में एंटर करने मिल जाता है। अब जैसे वो लोग एंटर करते ना, रेयर और हर्बल्स था और भी बहुत सारा चीज़ था जो जो ना मतलब आउटर वर्ल्ड में ना विलुप्त हो गया था, जो जो हर्बल्स अब अभी मिलना इतना मुश्किल था ना, वो सब कुछ यहाँ पर ही ऐसे भाई जैसे घास में पड़ा हुआ है,
वैसे इतना सा हबल मिल रहा था। अब यहाँ पर ना विंग करता क्या है, उसके ना रिसर्च टीम में ना एक मैरिड कपल भी था, तो वो लोग उनको भी अपने साथ एंटर करवा लेता है। और वो लोग ना खाली एक ही काम था, हबल उठाना जितना से जितना तुम उठा सकता है। अब यहाँ से वो लोग हबल उठाने लगता है। फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत घूमते घूमते दो तीन दिन बाद वो लोग उनको परमिशन होता है कि वो लोग मतलब इस ट्राइब के पीपल से घुल मिल सकते हैं और बात कर सकते हैं। अब यहाँ पर विंग करता क्या है, दौड़ के मतलब पूरे ट्राइब का वो एक चक्कर लगाता है, वो अपने फ्रेंड को खोजने की कोशिश कर रहा था। अब जैसे उसको उसका एक फ्रेंड दिखता है, वो जाके दौड़ के गले मिलते, बोलते हैं अरे भाई कैसा है, तो तुमको पता है हम कितना डर गए थे तुम लोगों को इतना दिन बाद देख के। तो जैसे वो भी विंग को हग बैक करता है और बोलता है अरे भाई तुम कहाँ पड़ा हुआ था ये बताना, तुमको कहाँ कहाँ नहीं खोजा हम लोगों, और तुमको कौन बोलता है ऐसे भाई, जहाँ देख रहा वहीं एक तक लगाया, देखे दिमाग ना इधर ना उधर, कहीं भी तुम्हारा ध्यान नहीं है, खाली एक तक लगा एक ही जगह देखना, ऐसा मत करना। और जो यहाँ पर लैंगवांग जी और विंग का शादी था ना, वो लोगों ने यहाँ पर किसी को बताता नहीं है कि वो लोग दोनों का मैरिड हो गया। ये जो खाली था ना, जो ट्राइब पीपल था वो लोगों को जानता था, यहाँ पर विंग का फ्रेंड भी वो नहीं जानता था कि वो लोगों का शादी हुआ है, क्योंकि वो जो शादी था ना वो जल्दबाजी में हुआ था। तो यहाँ पर जो ओले ट्राइब पीपल जानते थे, यहाँ पर विंग का दोस्त भी नहीं जानता था क्योंकि वो काम में उलझा हुआ था। और इसके बाद होता क्या है ना, विंग और उसका फ्रेंड लोगों वो ट्राइब से जल्दी निकल जाते हैं लैंगवांगची की टीम के साथ, तो वो लोगों भी चला जाता है, सबको अब उस ट्राइब से चले जाते हैं। और हमारा सीन शिफ्ट होता है 5 साल बाद। और अभी के लिए यहीं तक स्वीडीज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मेरे को पता है मेरा आवाज़ आधा में अच्छा और आधा में गंदा होगा, क्योंकि मेरा आवाज़ आधा रिकॉर्डिंग करने के बाद, क्योंकि हम कुछ ज़्यादा ही बोलिए तो मेरा आवाज़ क्या बोले गला खिच 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 हो गया। और मेरा बैकग्राउंड नॉइज़ इग्नोर करना।